भैया ऐसा है, कल हमारे कैंडिडेट ने अपने पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर के थे, जांच पड़ताल के बाद उसको दिया गया ये आपका सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। उसके साथ में एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट के साथ में उनके बैंक ओपनिंग अथॉरिटी लेटर दी गई और जो उनका एक्सपेंडिचर बुक होता है वो दिया गया, माने जांच पड़ताल के बाद। ये 12:15, 4:45 बजे उनको कॉल आती है, ज़रा 2 मिनट आइए, आर ओ साहब ढूंढ रहे हैं, कुछ पेपर्स वगैरह आपको और देने हैं, कुछ चेक करना था और पेपर्स देने। और जो वो उनने वहाँ वहाँ पे जाके जो एक्सेप्टेंस लेटर थी उसको जहाँ पर एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड लिखा है उसने उस पर इधर को नॉट लिखना और नीचे में आर लिखने की कोशिश की। इसने हमारे बंदे ने बड़ी बड़ी तेज तरह की उनके हाथ से छीन लिया। बोला आप कैसे लिख रहे हैं इस पर, आपने तो जांच पड़ताल की है मेरे इसकी। जो ही जांच पड़ताल खत्म होती है उसके बाद आपका कोई हक नहीं है मेरे किसी कागज को हाथ लगाना या कोई डिसीजन को आप रिवोक भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वंस इलेक्शन कमीशन रूल्स आर वेरी क्लियर, वंस यू गेट द द एक्सेप्टेंस लेटर यू कांट रिविजिट, इलेक्शन कमीशन ऑल्सो कैन नॉट रीओपन दिस केस। सो वो बात हुई थी जिस पर आज हमने एजिटेट किया डीसी साहब के पास, पूरा उसको डिटेल दे दिया। अब उसकी इंक्वायरी चल रही है और मुझे लगता है शाम तक ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैंने सुना है कि ये किसी एक जो बीजेपी के शायद कोई खास इनके कैंडिडेट वहाँ से हैं जो नेशनल लेवल के कुछ हैं, वह उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उनके उनकी ऑलरेडी कप कप की लगी हुई है, वो आज अपना कोशिश कर रहे हैं बोलने की, आज ये चाइना गैंग है, आज ये गुपकार गैंग है, वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमारे आवाम को वो फैसला दे देंगे 140 सीट लेकर और आपको खाली हाथ यहाँ पे अपना कोई कटोरा गिलास विलास पानी ले वापस चले जाओ। पिताजी से बड़ी मौतबाना गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज, इफ़ यू कैन बी रफ विद अस वी कैन बी वेरी रफ विद यू मिस्टर शाह, यू कैनॉट टेल अस दैट वी आर इंटरनेशनल, हू द हेल आर यू टू टेल अस वी आर इंटरनेशनल। हम अगर 370 की बात कर रहे हैं, 370 हमको मिला आपके सरदार पटेल ने मुंह किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको सेकंड किया, अंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया। अगर इस वक्त वो बात करने और पार्लियामेंट के थ्रू इसको अप्रूव किया गया तो क्या वो सारी पार्लियामेंट इंटरनेशनल थी अमित शाह जी? ये क्या आप पढ़ा रहे हैं पटी लोगों को बाहर, और आपको अब कुछ नहीं मिल रहा है कि किस तरह इनको हम अननर्व करें, कांग्रेस को किस तरह अननर्व करें? आप अपने नेशनलिज्म ला रहे हैं सामने, किसको? कश्मीर को दिखा रहे हैं आप नेशनलिज्म, कश्मीर को दिखा रहे हैं आप सेक्युलरिज्म? हमारी तारीख 5,000 साल पुरानी है सेक्युलर कैरेक्टर की, हम आप जैसे लोगों को सिखाते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है, आप क्या सिखाएंगे हमको? और अगर हम एंटी नेशनल हैं, हम कम्युनल हैं, आप क्या हैं फिर? कम्युनलिज्म तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने देखिए आपके बीजेपी के प्रवक्ता यहां के क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो गाली गलौज पे उतरे हैं। आपने तो इलेक्शन अभी हमने लड़ा भी नहीं है, आपने तो ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी, यू हैव एग्रीड दैट यू आर डिफीटेड बाय द लैंग्वेज दैट योर पीपल आर यूजिंग। इट इज वेरी सैड कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, इन अ सेक्युलर सेटअप, सच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट होम फारूक अब्दुल्ला, योर करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर 3 times। और आपको ये याद रखना चाहिए अमित शाह साहब, आपके तमाम बीजेपी के मेंबरान को, लीडरान को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम अज कम 10-15 हजार लोगों से जायद उन्होंने अपनी जाने गंवाई हैं 1989 से आज तक। तो इंटरनेशनल वो है, मुझे तो लगता है आप हैं इंटरनेशनल सबसे बड़े, आपकी हिम्मत कैसे होती है बोलने की? भाई उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस दी क्योंकि यहां हालात इस तरह बिगड़े हुए हैं, कश्मीरी में उनने कहा, मैं कश्मीरी में बोलूंगा आपको अमित शाह जी अगर आप सुन रहे हैं ये, और जितने भी आपके रात को ये टीवी पे ये चिल्लाते रहते हैं, उनने कश्मीरी में कहा, वह कह रहे हैं चाइना के, उसका मतलब होता है यार वही कुछ करते हैं हम, यहां तो मुसीबत फंस गए, बस पकड़ लिया उसको, ये जी चाइना आपको हेल्प आ रहा है, और कल से आपके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो चाइनीज स्पॉन्सर्ड है। ओ भाई फिर आप लोग क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठकर, किसने आपको होम मिनिस्टर बनाया है हिंदुस्तान का, कहां से आपको ये मैसेज मिली है? तो क्या मतलब है आपका चाइनीज के लोग यहां बैठे हुए हैं, ली चिंगपिंग खुद आया हुआ है यहां पर?
पाकिस्तान से कोई आया है, इमरान खान आया है क्या इधर? दिखाइए जरा कहां पर, हमको भी तो बताइए कहां चाइनीज है, देखें हम भी कहां है। क्या आप सिखा रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को? गलत, झूठ, फरेब, धोखा। और कोशिश आप कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का माशरा ये ब्रेक हो जाए इन द शेप ऑफ रीजन एंड रिलीजन। आप हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही आपको करगिल ने करारा जवाब दे दिया, जो डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ करगिल है, जिसका वास्ता डायरेक्ट पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन साथ है, दे हैव रिजेक्टेड योर लद्दाख इलेक्शंस। उन्हें रिजेक्ट किया है आपका, ये क्या कहते हैं, आपका शेड्यूल 6। और जो मैंने सुना है कि लद्दाख ने भी अब सोचा है कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो आप सोचे समझे बिना आप कश्मीर में ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। मेहरबानी करके आप पहले तो इस गलत जबान का प्रयोग आप करना बंद कर दें प्लीज। कैंडिडेट पीपल्स अलायंस का जो उसको सीट अलॉट हुई होगी, जिसको उसकी अथॉरिटी लेटर मिलेगी, वही कैंडिडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 आदमी उठा सकते हैं, वहां पीडीपी के 10 हो सकते हैं, एएनसी के 10 हो सकते हैं। मैंने 40 सीटें छोड़ दी, मैंने कहा मुझे एक भी नहीं चाहिए, छोड़ दो फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस। अगर मेरे भी, मैंने भी सुना है कि मेरे भी लोग कुछ जगहों से करीब 10-15-16 के मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है कि वो भी आजाद मेंबरों के तौर पर उठ रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि भाई ये आज झगड़ा आपके और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए है। मेहरबानी करके जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने फॉर्म डाले हैं, किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता हो, मेहरबानी करके अगर आप अलायंस के क्या कहते हैं सीट के अगेंस्ट आपको नहीं दिया गया है अथॉरिटी, प्लीज़ अपना जो फॉर्म है आपके वो विड्रॉ करें। पीडीपी का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीसी का है, एएनसी का है, आपके सीपीएम का है, प्लीज़ जितने भी लोग हैं आप अपने फॉर्म्स विड्रॉ कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि हम 140 बराबर यहाँ से, और जो ये अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, कांग्रेस वाले भी, वो भी अपने लोगों को पीछे हटा दीजिए प्लीज़, और उनको आप यहाँ से खाली हाथ वापस लौटा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल नबी, डीडीसी कैंडिडेट टंगमर्ग। आओ इकट्ठे मिलके आज जंग लड़ें, गरीबी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, सोशल इवल्स के खिलाफ। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट श्रीनगर, एक्सपर्ट्स इन JEE, नीट, MBA, बैंक POs, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल। आई एम फ्रॉम BCI, आई एम द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लास्ट वन ईयर। आई केम टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम माय कजिन्स हु हैव पास्ड देयर नीट एग्जाम्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। दिस इज रियली द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्रैक देयर नीट और JEE एग्जाम। First Institute of Valley providing 100 seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 6007-52051, 9797-01858585. BCI, Lal Chowk, Srinagar.